हेलो एवरीवन, मिला नहीं, मैंने सोचा यही चबा लें। मैं बोली थी मैं बना। मैंने ये हाय हाय, ये खूबसूरती का भैया। देवी और सज्जनों का स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। और अभी मैं हूँ 80 घाट के जस्ट सामने, एक रेस्टोरेंट है, पहले मैं 80 घाट दिखाता हूँ आपको। वो देखो सामने है 80 घाट और ये है सामने रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का नाम अभी रेस्टोरेंट का नाम है कृष्णा कैफे एंड रेस्टोरेंट। अच्छा, वो भी यही तो बोल रहे थे, कृष्णा कैफे एंड रेस्टोरेंट। और जस्ट अभी पिछला व्लॉग ख़त्म किया है और ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और ये वाला मैंने अपने व्यूअर से स्टार्ट किया है क्योंकि जो आईफोन है वो मैं घर पे भूल गया। घर पे भूलने की वजह ये है क्योंकि ये सरप्राइज प्लान करना था, मतलब इसमें थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह नॉर्मल, इसके अंदर है केक। आई डोंट थिंक मैं उस वक्त कुछ शूट करूँगा केक, इसमें अगर आपको दिख रहा हो तो एक छोटा सा क्यूट सा केक लिया मैंने, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये केक लिया है क्योंकि आज है रोशन का बर्थडे, आई मीन कल 12 बजे मतलब सरप्राइज देंगे। तो ये सब लेके आया हूँ और अभी खाना भी लेके जा रहा हूँ। तो हमारा ये प्लान है, देखो उस वक्त शूट करे ना करे पर प्लानिंग बता दे रहा हूँ आपको मैं, और क्या पता है व्लॉग में डालूँ या ना डालूँ। तो अभी मैंने दाल चावल बनाने के लिए बोल दिया, वो दाल चावल लेकर के आ रहे हैं। और आज सुबह मेरी तबीयत थोड़ी सी हिल डुल गई थी, अभी बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब बिना कुछ करे तबीयत ख़राब, बिना कुछ करे तबीयत ठीक हो गई। सबने उल्टा पुल्टा खाया, सबकी तबीयत ठीक थी और ख़राब भी हुई, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा खाया भी नहीं, फिर भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उतनी ख़राब नहीं हुई थी पर मतलब वीडियोज़ के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है ताकि एक्सप्रेशन अच्छे आए, पर तबीयत ख़राब होने की वजह से इधर मैं डाइवर्ट हो गया था। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से एक्सप्रेशन अच्छे आ नहीं रहते, इसलिए वीडियोस भी काफ़ी रील्स भी ख़राब हो गई है। आपका नाम क्या है? शिवू जासवाल। भाई का रेस्टोरेंट है कृष्णा कैफे, और अभी दाल चावल लेकर के जाऊँगा तो मैं रिव्यू बाद में बताऊँगा। पर फिलहाल मैं अपना इंस्टाग्राम दे करके भाई से फॉलो करवा लेता हूँ ताकि मेरा एक फॉलोवर बढ़ जाए और ये लालच कभी ख़त्म ना हो मेरा फॉलोअर्स का।
ऋषि तो पूरी डेड है पर फिर भी ठीक है। थैंक यू मैं बोलूँगा ना, अभी फॉलो करोगे तो कर दिया हाँ। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने होटल रूम में और यहाँ पे थैले में है केक और खाना, खाने में है दाल चावल आलू टमाटर की सब्जी और चॉकलेट केक है। या तो उन्हीं को दे दूँगा, वो अपने फ्रिज में रख लेंगे ये जो केक है, और वो हम उनसे 12 बजे लेकर के आएंगे ताकि रोशनी को पता ना चले और केक ख़राब भी ना हो और कोल्ड ड्रिंक भी ठंडी रहे, कोल्ड ड्रिंक भी ठंडी रहे। और फिर 12 बजे रोशनी को सरप्राइज करेगी उसके बर्थडे पे और रोशनी खुश हो जाएगी। हाँ भगवान मेरे जैसे दोस्त किसी को ना दे और रोशनी जैसे दोस्त और जिया जैसे दोस्त भी किसी को ना दे, ठीक है अच्छे दोस्त किसी को ना दे ऐसे। हाँ हाँ मान लिया मैं सेल्फिश हूँ, ठीक है ना मान लिया, लेकिन भगवान किसी को ना दे। वैसे अच्छे दोस्त ही अच्छे दोस्त डिजर्व करते तो सही है। हाँ कोट ऑफ द डे। तो जैसे मैंने कहा था कि सरप्राइज के टाइम वीडियो बनाएंगे कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन फिर फाइनल किया गया है कि हम वीडियो बनाएंगे और श्री कैमरा पकड़ के आएगी पीछे पीछे और वो हमारी वीडियो शूट कर देगी सरप्राइज़ की। तो प्लान ऐसा है कि हम अभी केक रेडी कर रहे हैं, उसमें मोमबत्ती लगा के जलाएंगे, नंगे पाँव हाँ लेके जाएगी ऊपर छत पे और हम नंगे पाँव जाएंगे ताकि शोर ना हो, और 12 बजते ही हम जैसा कि बोलेंगे सरप्राइज हैप्पी बर्थडे टू यू। और एक और बात, ये आइडिया जो था ना वो था जिया का, शी वाज रियली स्मार्ट। सेकंड थिंग वो कि 12 बजने में बस 5 मिनट बाकी है, बस 5 मिनट वो भी खत्म हो गया। आई 5 मिनट बाकी है तो 5 मिनट में 12 बज जाएंगे और हमारे 12 ना बज जाए इसलिए हम जल्दी से इस सीन को कट करते हैं। चलो हम निकलते हैं अब बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम आए थे ये डोंगे लेने, प्लेट लेने के लिए, और रोशनी ने पेमेंट कर दिया तो हम अभी निकलते हैं यहाँ से। पानी की बोतल ले ली, तो सब सामान सारा माल पानी खाना इसी में है। अभी हम जा रहे हैं घर पे खाने के लिए और रेस्टोरेंट वाले के पास डोंगा और प्लेट नहीं थी तो फिर वो हमने खरीद लिया और पानी की बोतल भी ले ली। चलो तो यहीं पर हम रुके। यार ये बाल ना मैं नोच के फेंक दूंगा अपने, इरिटेट कर दिया सारा, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और हम पहुंच गए अपने गेस्ट हाउस में वापस से, सारा अपना झूला वूला लेके और खाना खा करके हम कुछ वीडियो शूट करेंगे। आज लास्ट डे हमारा यहाँ पे और फिर हम निकल जाएंगे, मतलब मैं निकल जाऊंगा वापस दिल्ली। तो ये लास्ट व्लॉग है इस बनारस सीरीज का और जिया रोशन जाएगी झारखंड अपने गांव में शायद, अभी कुछ कंफर्म नहीं है किसी का भी, पर मेरा कंफर्म है कि मैं दिल्ली चला जाऊंगा आज रात की ट्रेन से। तो खा के मिलते हैं। बनारस का लास्ट दिन ख़त्म होने को आया है और अभी समय हो रहा है शाम के 7 बजने में 5 मिनट। अभी मैं जा रहा हूँ 80 घाट पे जो कि हमारे गेस्ट हाउस वाले रूम से तकरीबन 400-500 मीटर दूर है वॉकिंग डिस्टेंस। कुछ सामान खरीदना इम्पोर्टेंट और जिया रोशनी की बस है 10 बजे की, मेरी ट्रेन है 9 बजे की, नहीं नहीं हाँ उनकी बस है 9 बजे की, मेरी ट्रेन है 10 बजे की। व्लॉग में आना या हाय हाय और भी किसी को आना है तो वो ट्रेन शायद छूट भी सकती है, तो उसके अलावा एक और ऑप्शन है 12 बज के 5 मिनट पर एक ट्रेन है उसमें भी मैं जा सकता हूँ। पर फिलहाल इसी घाट पर पहुँच के जो इम्पोर्टेंट सामान खरीदना है वो खरीद लूँ और फिर लेट्स गेट बैक टू
रूम। देखो हम यहाँ पे नया सब्सक्राइबर बनाने की तैयारी में, लालच कम नहीं होना चाहिए सब्सक्राइबर्स का। चलो बाय। हाँ समय की, क्या कहते हैं, समय की समस्या है, कम टाइम है इसीलिए बहुत हड़बड़ी में हूँ, पर कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि हमने बहुत देर तक वीडियो शूट करी और शॉर्ट वीडियोस, तो उसमें सारा टाइम निकल गया। तो जितना हमने ट्रिप पे एंजॉय किया और घूमा, उससे काफ़ी ज़्यादा हमने ट्रिप पे मेहनत करी, काम किया, वीडियो शूट करी। आरती शुरू होने वाला है लास्ट डे का, शायद देखे बिना जाना पड़ेगा। चतुर्दश्याम तदुपरांते अमावस्याम शुभ पुण्य दिनौ बुधवासरं नायं देवरुद्रे। कई सारे सीन्स मैंने ऐसे रोके रो डाले हैं ताकि आपको साउंड और लोकेशन से वाइब एकदम सेम टू सेम फील हो सके कि यहाँ पे कैसा फील हो रहा है। तो हमने होटल को कर दिया, अपने रूम को कर दिया खाली, और सारा बैग और बोझा उठा ढोकर के हम जा रहे हैं बस स्टैंड रोशनी और जिया को छोड़ने के लिए। आ रहा हूँ ना रोशनी, आपका फोन जिया से हाइट में सब बिजी है, क्या छोड़ दिया, आइए साइड वाला बैग, उसी में तो मोबाइल सब है मेरा, जाओ लेके आओ। नहीं घर में तो नहीं था कुछ, नहीं जाएगा वहीं है, जाओ जाओ यहाँ टाइम कुछ भूल गई रोशनी, भागते हुए जा रही है अभी लेके आने को, पर मुझे लग रहा है कि रूम में कुछ है नहीं। अच्छा ब्लॉग बना रहा हूं, मैं बोली थी मैं बनाऊंगी ब्लॉग, टेंट वाले से पहले हम लोग का तो बस स्टैंड पे जिया रोशनी को छोड़ के मैं पहुंचूंगा रेलवे स्टेशन गोवा बनारस सीरीज देखने। रोशनी और ज्योति के ब्लॉग में देखना, मैं बोलूंगी। हाँ रोशनी और जिया के ब्लॉग में ये है, वो दोनों कर नहीं पाते तो ये बेचारी उनकी हेल्प कर देती है। हेलो एवरीवन, तो आज हमारा वाइंड अप है बनारस से, तो मम्मी का ऑर्डर था कि आते वक्त गंगा जल लेते आना, तो हम जा रहे हैं गंगा जल लेने। क्या हुआ वो कह रहा है यहाँ पे वहीं से करना पड़ेगा जहाँ पे हमने डुबकी नहाया था ना, देखना बस मिट्टी ना हो, मिट्टी वाला बिल्कुल मत लेना।
सो आज हमारा आखिरी दिन है, मन तो नहीं कर रहा काशी छोड़कर जाने का, पर क्या करे, पापी पेट का सवाल है, जाना तो पड़ेगा। और दीपू जले रहा है जल, ये खूबसूरती को हम मिस करेंगे बहुत ज्यादा। काश मेरी नौकरी, मेरा घर काशी में होता। ये शेयरिंग वाली बोट्स है, पर पर्सन 50, पर पर्सन 100 रुपीस लेते हैं ये, और लोगों को गंगा मैया की सैर कराते हैं। नहीं अभी नहीं, हम पर हम लोग को वो तालाब के पास जाना है, नाचकर तालाब, नाचकर तालाब। नंबर क्या था? 5740 अरे बाप रे, कहाँ है मेरा मोबाइल? हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें आना था, मतलब जहाँ पे रोशनी जी को जाना था बस के लिए। डिंकर पूजा 2.0 है ये। चिप्स लाने गई है और आजा बाबू, आजा चिप्स दे बाबू। ये पीला वाला जो है, ए बाबू बहुत दिक्कत है, ब्लॉग खत्म कर रहा हूँ मैं, जल्दी आओ। रुको, हमने सोचा था कि हम बस स्टॉप पे जाके हम डिनर करेंगे अच्छे से, मस्त टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा सा, बट हमें कुछ यहाँ खाने को मिला नहीं, खाने को मिला नहीं, तो मैंने सोचा यही चबा लें आखिरी समय। तो इसी के साथ ब्लॉग को खत्म किया जाता है, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर, इसके साथ ब्लॉग को खत्म करते हैं, बाय बाय बाय।